पार्टी के संविधान में एक व्यक्ति एक पद है। संविधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उन पार्टी टूट रही थी, पार्टी बर्बाद हो रहा था, इसलिए मुझको यह एहसास हुआ। अनाज शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। पार्टी में वर्चस्व को लेकर चाचा भतीजा में जोर आजमाइश जारी है। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं, कोई दबने को तैयार नहीं। दोनों के अपने दावे हैं, दोनों की अपनी दलीलें हैं। घर का झगड़ा खुलकर सड़क पर आ गया है। मैं आज भी कहता हूं कि मैं स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा के शांति के लिए, पार्टी टूट रही थी, पार्टी बर्बाद हो रहा था, इसलिए मुझको यह एहसास हुआ कि पासवान जी का नाम, पासवान जी की आत्मा को शांति मिले। पार्टी पापा ने पूरे विश्वास, भरोसे और मेहनत के साथ उन्होंने बनाई। विश्वास इस बात का कि इस पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से वो गरीबों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है। और इसमें मैं बोलूँगा, बांटने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो, ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाए। अब लड़ाई LJP के अध्यक्ष पद की है। चिराग खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, वो पार्टी के संविधान का हवाला दे रहे हैं, लेकिन पारस गुट ने इस पद पर भी दावा ठोंक दिया। कार्यकारी अध्यक्ष सूरजभान सिंह के घर पर चल रही राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। नामांकन तो बस खेल है, मकसद पशुपति पारस के हाथ पार्टी की कमान सौंपने की है। मेरा काम है पार्टी को और परिवार का जोड़ने का, मेरा काम तोड़ने का नहीं है। इधर चिराग पासवान जी समझना चाहिए कि चलो बहुत दिन मेरे चाचा मेरे अंदर रहे हैं, कुछ दिन चाचा के अंदर हम भी रह के खेले। चिराग पासवान जी का पार्टी है, चिराग पासवान आज भी सब चीज है। पारस गुट में पशुपति पारस का अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन इससे LJP की जंग खत्म हो जाएगी ऐसा भी नहीं है। चिराग भी लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं। इसकी बानगी उस चिट्ठी में दिखी जिसे जारी कर उन्होंने राजू तिवारी को बिहार LJP का अध्यक्ष नियुक्त किया। संविधान की जानकारी के अभाव में कुछ लोग कुछ फैसले ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो सही हैं, पर मुझे लगता है कि एक बार जब वो पार्टी का संविधान पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, देखिए कोई भी संगठन है वो संविधान के अनुरूप ही चलता है। आपकी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत भावना कुछ और हो सकती है, बट जो संविधान में लिखा है आप उसी के को फॉलो करते हुए, उसी को मानते हुए ही आप निर्णय ले सकते हैं। जाहिर है आगे का रास्ता चुनाव आयोग और कोर्ट तक ही जाता है। उम्मीद है कि दोनों गुट खुद अपनी दावेदारी को लेकर यहीं का रुख करेंगे, जहां चुनाव आयोग या कोर्ट तय करेगा कि किसके दावे में कितना दम है। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।